आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। लोहरदगा जिले में 23 जनवरी से लगे कर्फ्यू की मौजूदा स्थिति पर आज आईजी नवीन कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आज कर्फ्यू पर दो पालियों में तीन तीन घंटे की छूट दी गई। इस दौरान किसी भी जगह से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। कर्फ्यू में छूट के दौरान लोग अपने घरों से निकलें और अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी करें। लोग स्वयं अनुशासित ढंग से अपने घर वापस आ गए। हम लोगों ने आज बैंक और ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय प्रतिष्ठानों को भी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। कल हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोल सके और कर्फ्यू में ढील दे सके। कल जिले के धान केंद्र भी खुले रहेंगे ताकि लोग धान क्रय केंद्र अपना धान भी दे सके। कल सरकारी कार्यालय भी अपने पूरे अवधि तक खुले रहेंगे। लोहरदगा जिले में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। विगत 48 घंटे में कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आज दो चरणों में पूरे जिला में कर्फ्यू में ढील दी गई थी, प्रातः 9 से 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से 5 बजे। इस दौरान काफी संख्या में लोग मार्केट आए और जहां भी उनकी जरूरत थी वहां गए और स्वयं अनुशासित ढंग से निर्धारित समय पर वापस आ गए। इस दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोगों ने आज बैंक्स और ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि कल हम और ज्यादा समय तक ढील दे सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठान खुल सकें। कल हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि धान क्रय केंद्र भी हमारे खुले रहेंगे और जिस अवधि में कर्फ्यू में ढील दी जाती है उस समय लोग धान क्रय केंद्र में आकर अपना धान भी दे सकेंगे और सरकारी कार्यालय जो है वो भी अपने पूरे अवधि तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही हमने लोहरदगा के शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्लों में जाकर हमारे दंडाधिकारियों और पदाधिकारियों ने लोगों से बातचीत की है। मोहल्ला स्तर पर शांति समिति के गठन करने का प्रयास किया गया है और कई जगहों पे इससे संबंधित बैठक हुई है। लोगों ने विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर शांति मार्च भी निकाली है। इससे संबंधित फुटेजेस भी हम लोगों ने रिलीज किए हैं और अधिकांश जगह लोगों ने संकल्प लिया है कि लोहरदगा जिस सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है हम उसे कायम करेंगे और उसे तो जो भी करने की आवश्यकता है वह हम जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी एसआईटी है वह पूरी तरह कार्य कर रही है। अभी तक हम लोगों ने 23 को जो घटना हुई थी और उसके क्रम में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित 15 कांड दर्ज कर चुके हैं और कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय अग्रसारित किया गया है। विरोधात्मक कार्रवाई के तहत अभी तक हम लोगों ने 97 लोगों को बाउंड डाउन किया है और हमारे डेपुटेशंस के अलावा हम ड्रोन्स का काफी व्यापक पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं ताकि हम मोहल्लों की गलियों पर भी नजर रख सकें। हमारा आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनकी भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिनको भी किसी तरह की क्षति पहुंची है, वह एसआईटी के पास आएं और अपनी शिकायतें अपना पक्ष जरूर दर्ज करें। हम लोग उस पर जो भी नियमानुसार आवश्यक है वह कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। एसआईटी पर भरोसा रखें। एसआईटी सभी लोगों के से सहयोग प्राप्त कर और अच्छे एविडेंस भी कलेक्ट कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम न सिर्फ लोगों को अग्रसारित करेंगे पर तो हम न्यायालय से उनकी सजा कराने में भी सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए हमारा पुनः सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनके पास भी
इन घटनाओं के संबंधित ऑडियो और वीडियो क्लिप है वो जरूर एसटीएफ से शेयर करें। इसके लिए हम लोगों ने एसटीएफ का एक नया नंबर से भी मैं सभी को देना चाहूंगा, एक नया नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप से भी मैसेजेस दे सकते हैं 9939133986 और यह सफिशियंटली सीनियर स्तर पे ही इसे देखा जाएगा, तो इसलिए आप निडर होकर इस पर सूचना दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जो सूचना दे रहे हैं, आप जो क्लिपिंग दे रहे हैं उसके सोर्स को नहीं बताया जाए तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, हम आपकी गोपनीयता जरूर बरकरार रखेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जो रिलीफ और रेस्क्यू का हेल्पलाइन नंबर है 9471163670 यह निरंतर चालू है, जिन लोगों को भी कर्फ्यू की अवधि में किसी भी तरह की आवश्यकता हो, कहीं जाना हो, कोई एक्सीजेंसी हो या किसी भी तरह की मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे तरह के रिक्वायरमेंट के लिए लोग इस रिलीफ और रेस्क्यू हेल्पलाइन पर अपना अनुरोध कर सकते हैं। प्रशासन उन्हें हर तरह की सुविधा और मदद जो जरूरत है वह उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें इस कर्फ्यू के चलते किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारा यह भी प्रयास है कि हम शनिवार से स्कूल कॉलेज भी दोबारा नियमित रूप से खोल सकें और चला सकें, और उस दिशा में भी हम लोग सभी समुदाय के लोगों से सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि यदि इसी तरह लोग सहयोग करते रहें तो हम सैटरडे से सभी स्कूल कॉलेजेस भी नियमित रूप से खोल सकेंगे।